तो मैं हरिंदर बड़ी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टेक्नो फन में। जी हां, जो कि नए यूट्यूबर होते हैं जिनका सब्सक्राइबर काउंट कम होता है, व्यू नहीं आते हैं, जिन्हें टैग डिस्क्रिप्शन टाइटल जो लिखना नहीं आता है, उनके लिए आज मैं एक बड़े ही कमाल की एप्लीकेशन के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेगा और ज़रूर ये वीडियो आपकी हेल्प कर पाएगी और आप जो है सब्सक्राइबर गेन कर पाएंगे, व्यू ज़्यादा गेन कर पाएंगे और आप अच्छे टॉपिक चूज कर पाएंगे। जी हाँ, आज मैं आपको बताने वाला हूँ ट्यूबबडी के बारे में। ट्यूबबडी के बारे में आप सभी ने सुना ही होगा। बेसिकली इसका जो है क्रोम एक्सटेंशन है, ये क्रोम एक्सटेंशन है और इसका एक मोबाइल एप्लीकेशन भी अवेलेबल है, वो भी आप जो है यूज़ कर सकते हैं। तो वो आप जाके गूगल पे डायरेक्टली प्ले स्टोर पे ट्यूबबडी लिख के सर्च करेंगे तो इसका मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आप यूज़ करना चाहते हैं इसका क्रोम एक्सटेंशन, तो आपको ज़रूरी होगी एक पीसी या लैपटॉप की, जिसके अंदर आप अपने क्रोम ब्राउज़र में जाके जैसे ही गूगल पे आप ट्यूबबडी लिखेंगे वो ऐड एक्सटेंशन का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ से आप इसे ऐड कर सकते हैं। तो इसके मैं कुछ फीचर आपको बता देता हूँ जो मेरे को बड़े ही कमाल के लगे। इसमें आप किसी भी वीडियो के टैग जो हैं वो देख सकते हैं कि किस वीडियो में क्या क्या टैग लगे हुए हैं। टैग ही नहीं, आप उनकी जो साथ में है रैंकिंग भी देख सकते हैं कि कौन सा टैग रैंक कर रहा है, सर्च में कौन सी रैंक पे है, ये भी आप उसमें चेक कर सकते हैं। साथ ही आप जो है अपना टॉपिक प्लान कर सकते हैं, आपके टॉपिक का क्या टाइटल होना चाहिए, क्या नाम होना चाहिए, ये भी आप इसमें देख सकते हैं। इसी के साथ आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा कि ये आपका जो डिस्क्रिप्शन है वो डिस्क्रिप्शन आपको कैसे राइट करना है, किन वर्डों का यूज़ करना है, किन वर्ड्स, कौन से जो वर्ड्स हैं जो आपको यूज़ नहीं करने जिसके कारण आपका मोनेटाइज इफेक्ट हो सकता है, वो भी आपको इसके अंदर सारे देखने को मिल जाएंगे। तो मैं आपको थोड़ी सी एक जो है ट्यूबबडी की झलक दिखा देता हूँ। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर। जो है हम आ चुके हैं मेरे पीसी की होम स्क्रीन पे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ट्यूबबडी जो है किस तरीके से आपके लिए काम करता है, ये आप देख सकते हैं। जैसे कि मैं कोई भी वीडियो जो है कोई भी वीडियो में सर्च कर लेता हूँ, जैसे कि मैं सर्च कर लेता हूँ मेरा ही चैनल का नाम, मैं सर्च कर लेता हूँ तो ये मेरे पास चैनल आ गया। इसके अंदर मैं देखता हूँ किसी भी एक वीडियो को देखता हूँ उसके जो कौन सा टैग है और जो भी आप कीवर्ड सर्च कर रहे हैं उसकी जो सर्च के बारे में क्या है, ये उसके बारे में भी आपको बता देता है कि रिलेटेड सर्च जो हैं इसके रिलेटेड कौन कौन सी सर्च हैं। तो ये यहाँ पर आप जो देख सकते हैं कि इसके रिलेटेड कौन कौन सी सर्च हैं। यहाँ से आप जो है वो कॉपी कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक वीडियो लेके दिखा देता हूँ कोई भी मेरा। जैसे कि ये एक वीडियो, इस वीडियो को ले लेते हैं, इसके अंदर देख लेते हैं कौन से जो टैग हैं, कहाँ कहाँ पे रैंक कर रहे हैं, क्या क्या टैग इसके अंदर लगे हुए हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो मैं हरिंदर बड़ी आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने। देखिए ये यहाँ पे आपको जो है ये आ चुका है कि जो है टोटल जो है इस वीडियो पे इतने व्यू हैं, एक कमेंट है, इतना लाइक है और इस चैनल के जो हैं टोटल व्यू इतने हो चुके हैं, सब्सक्राइबर इस चैनल के इतने हैं, इतने वीडियो इस चैनल के ऊपर अभी अवेलेबल हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इस तरीके से दिखा देता है। अब देखते हैं कि कौन कौन से टैग इसके अंदर है। तो ये टैग जो हैं इसके अंदर यूज हो रहे हैं, ये टैग इसके अंदर लगाए हुए हैं। अब देखते हैं इन टैग के अंदर से कौन सा टैग जो है कहाँ पर रैंक कर रहा है। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये आपको जो है थोड़ा सा टाइम ले रहा है, इंटरनेट स्लो है, ये आपको जो है अभी इसके अंदर जो है कोई भी टैग जो है सर्च के अंदर रैंक में नहीं है तो ये नहीं दिखा रहा। मैं आपको दूसरा वीडियो खोल के दिखा देता हूँ जिसके अंदर आपको जो है रैंक टैग की जो किस तरीके से टैग रैंक होता है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मैं कोई दूसरा वीडियो ले लेता हूँ। जैसे कि मैंने आज ही एक अपलोड किया था, वही वीडियो मैं ले लेता हूँ आपके लिए। मैं जैसे कि वीडियो में ले लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ इस वीडियो के अंदर। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। ये यहाँ पे ओपन हो चुका है और ये इस पर शो रैंकिंग पे क्लिक कर देते हैं। तो ये जो है ये जैसे आपको रैंकिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है, यहाँ पे 7, 3, 5, तो ये टैग की रैंक है कि किस जगह आपका जो टैग है वो रैंक कर रहा है वो यहाँ पे आपको दिखा देता है। तो ये इसका बड़े ही कमाल का फीचर है और जो भी अभी यूट्यूब पे स्टार्ट कर रहे हैं या स्टार्ट करने वाले हैं जिनको व्यू कम आते हैं वो इस एक्सटेंशन को यूज़ कर सकते हैं। ये क्रोम एक्सटेंशन है, सिर्फ ये आपके क्रोम में ही चलेगी।
देखा किस तरीके से जो ट्यूब बडी है वो वर्क करता है, किस तरीके से इसके अंदर जो आपको टैग रैंकिंग आप सर्च कर सकते हैं। आप इसे एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, गूगल पे बड़े आसानी से अवेलेबल है। इसका जो है फ्री वर्जन है उसके अंदर ये सारे फीचर मिल जाते हैं, कोई पेड नहीं है। यदि आप पेड वर्जन लेते हैं तो उसके अंदर आपको कुछ ज़्यादा अच्छे फीचर मिल जाते हैं। और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा, कुछ ना कुछ हेल्पफुल आपको इस वीडियो के अंदर जरूर देखने को मिला होगा और हो सकता है ये आपकी थोड़ी सी मदद भी करे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में आने वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। इससे आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और हमें आपके लिए नए वीडियो लेके आने की हिम्मत। धन्यवाद।